मोहब्बत और अफेयर में कितना फर्क है ये बॉलीवुड स्टार से पता चलता है। मोहब्बत में इंसान जान तक देने को तैयार रहते हैं और अफेयर में बॉलीवुड स्टार्स जान छुड़ाने के फिराक में रहते हैं। एक आम इंसान से जब उनकी बिछड़ी मोहब्बत का जिक्र किया जाता है तो वो अपनी अतीत की यादों में खो जाता है, मगर बॉलीवुड स्टार्स ऐसे झेप जाते हैं जैसे किसी ने उनकी दुखड़ी राग बढ़ा दी हो। बस ऐसा ही कुछ हुआ उस वक्त जब अनिल कपूर पहुंचे अपनी फिल्म फन्ने खान का प्रमोशन करने सलमान खान के शो 10 का दम पर। बातों बातों में जब फिल्म के कोस्टार्स की बात चली तो अनिल कपूर ने फिल्म की बेबी यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लिया और सलमान खान को उनकी नाकाम मोहब्बत पर मजाक से छेड़ने लगे। तब सलमान खान का रिएक्शन देखने लायक था। वो ऐसे झेप रहे थे जैसे किसी ने उनको सरेआम बेइज्जत कर दिया हो या उनकी सबसे बड़ी गलती को जग जाहिर कर दिया हो। ऐश्वर्या और सलमान की मोहब्बत का किस्सा बरसों पुराना है। आज की यंग जनरेशन शायद उस समय की मोस्ट रोमांटिक टेल की इंटेंसिटी को जानते ही नहीं है, मगर उस नाकाम मोहब्बत की चर्चा आज भी कहीं ना कहीं होती रहती है और शायद जब तक सलमान खान शादी ना कर ले ये होती रहेगी। उस रूमानी रिश्ते के टूटने की सही वजह तो यकीनन ऐश्वर्या और सलमान खान ही जानते होंगे, मगर अंजाम ये हुआ कि ऐश्वर्या के अभिषेक बच्चन से शादी करते ही ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सलमान ने इसके बाद अफेयर तो कई किए मगर अनफॉर्चुनेटली अब तक कुंवारे हैं। ऐसे मौके पर हम हर मोहब्बत करने वाले से यही कहेंगे कि मोहब्बत और अफेयर में बहुत फर्क होता है। एक हकीकत और दूसरा फसाना, यानी लव इज ट्रूथ एंड अफेयर इज अ फिक्शन। तो इस पाकीजा मोहब्बत पर फक्र करें, कभी शर्मिंदा ना हो। सब्सक्राइब टू बिस्कुट टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन योर यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर बॉलीवुड अपडेट फ्रॉम बिस्कुट टीवी।